identify a reagent from the following list which can distinguish between 1-butyne and 2-butyne. जब भी आपके गाइज इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखिए 1-butyne क्या है, ये कुछ यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दे, 2-butyne कुछ इस टाइप से हो जाएगा. जब भी आपके किसी कंपाउंड में एसिडिक एच प्रेजेंट हो और इसको डिस्टिंग्विश किया गया हो डिफरेंट कंपाउंड से जिसमें एसिडिक एच नहीं होता, जैसे ये, या किसी किसी केस में आपको एल्कीन भी दे देते हैं. अब उसमें क्या होगा गाइस, इस केस में आपके दो मेथड होते हैं. एक तो होगा टोलेंस रिएजेंट का टेस्ट, राइट. टोलेंस रिएजेंट के टेस्ट में क्या होगा, एसिडिक एच निकलता है और व्हाइट पीपीटी में बन जाता है. एक और मेथड होता है, वो मेथड क्या होगा, जब आप अमोनिकल CuCl2 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं, अमोनिकल CuCl2 या CuCl2NH3 एक्वस, इस टाइप से कुछ दे सकते हैं. सो इस केस में बेसिकली रेड ब्राउन टाइप का कुछ पीपीटी बनता है, राइट. सो इसमें टोलेंस रिएजेंट के केस में व्हाइट पीपीटी और CuCl2 केस में रेड ब्राउन पीपीटी. यानी लैब में ही देखिए गाइस, आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आपको कुछ विजिबल दिखेगा, कलर दिखना चाहिए, राइट. हालांकि इसमें क्या है, इन सब में केसेस में अगर आप देखें तो प्रोडक्ट्स तो डिफरेंट बनेंगे. CCl4 ब्रोमीन बनेंगे तो इधर Br जुड़ जाएगा, इधर Br जुड़ जाएगा, इसके केस में हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, राइट गाइस. ट्रांस एल्केन एल्कीन बन जाएगा. इसके केस में जो H2SO4 HGGSO4 है, इसके केस में कीटोन बन जाएगा. अभी आपको बताया मैंने हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन का केस जो लास्ट क्वेश्चन बताया था. लेकिन इस केस में कोई भी विजिबल आपको कलर का कुछ नहीं दिख रहा होगा. सो कलर कहाँ दिखेगा, जब आपका कुछ आपको पीपीटी बनेगा. अब देखिए इसमें क्या होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड CCCC यहाँ पे नेगेटिव है, CU इस टाइप का कुछ कंपाउंड बन जाएगा. ऐसे ही टोलेंस रिएजेंट के केस में बन जाता है, राइट. सो आंसर क्या है आपका, ये गाइज आपको पता होना चाहिए मेथड.